नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सीकर में हुए गैंगवार मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। राजू ठेहट हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में शामिल पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पांचों आरोपियों को जयपुर लेकर जाया जा रहा है। तीन आरोपी हरियाणा के हैं और दो आरोपी राजस्थान सीकर के ही निवासी हैं। आरोपी मनीष जाट और विक्रम सीकर जिले के निवासी हैं, जहां पर ये पूरा वारदात देखने को मिला। जबकि आरोपी सतीश कुमार, जतिन मेघवाल और नवीन मेघवाल जो है वो हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं। आरोपी मनीष जाट और विक्रम को डावला के पास से गिरफ्तार किया गया है, जबकि जतिन, नवीन, सतीश को पहाड़ियों से भागते समय मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इसमें से दो के पैर में गोली लगी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरी वारदात इस वक्त हम आपको इन पांच तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये चीजें यहां पर हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में अपडेट ये है कि अब पांचों आरोपियों को जयपुर लेकर जाया जाएगा, उसके बाद वहां पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई है इन पांचों आरोपियों की, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने हत्या की राजू ठेठ। कौन कौन से आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें क्या हैं, नाम क्या है, सब हम आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार, ताकि आप जान दें कि इन लोगों ने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी शाबाशी दे चुके हैं पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने काफी तेजी दिखाते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए यहाँ पर पांचों आरोपियों को दबोच लिया है। बॉर्डर पार करने के फिराक में थे, उसकी तैयारी में थे, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं, भाग पाए नहीं। पुलिस ने दबोच लिया, फील्डिंग लगाई, मुठभेड़ हुई, गोलियां चली और पांच के पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये एम्बुलेंस भी हम आपको दिखा रहे हैं, सभी को लेकर दरअसल अब जो है जयपुर जा रही है पुलिस। दो आरोपियों के पैर में गोली लगी और उनका वहां पर इलाज चला, उनको उपचार देने के बाद जो है टीम उनको लेकर जाएगी जयपुर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें निकलकर सामने आएंगी, पूरा पर्दाफाश होगा, तस्वीर शीशे की तरह साफ होगी कि कैसे जो है अब इनको यहां पर दबोचा जाए, अब आगे क्या चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। और बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से राजू ठेठ की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो घटना बताया ऐसा जा रहा है जो करीबन एक महीने से पूरी प्लानिंग चल रही थी, पूरी रेकी की जा रही थी, निगरानी की जा रही थी, और उस बीच में जब कल मौका मिला तो हत्याकांड को अंजाम दे दिया और पांचों आरोपी गिरफ्तार हैं इस वक्त। पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से अवरेज किया और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में आरोपी पकड़ना बड़ी बात थी। इसमें गैंगस्टर आए थे, बाहर से भी आए, वहाँ के भी थे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से। ये हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। शरद हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले में। शरद, मौजूदा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद? देखिए, गिरफ्तारी के बाद बात की जाए तो दो जो इसमें घायल हुए हैं पुलिस की फायरिंग में मुठभेड़ के दौरान, तो उन दोनों को जयपुर ट्रोमा में लाया जा रहा है, यहाँ पर उपचार उनका शुरू हो जाएगा। तो वहां पर पहले सिक्कर हॉस्पिटल में ले जाया गया था, वहां से फिर बाद में जब स्थिति गंभीर दिखाई दी तो जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के बाद में वापस अपराधियों को वहीं ले जाया जाएगा सीकर में, और आगे की पूछताछ होगी। तीन अपराधी अभी पुलिस के पास है पूछताछ के लिए, दो का उपचार भी जारी है। पांचों से पूछताछ होने के बाद कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आएगी कि कितने समय से ये लोग यहाँ पर बैठकर सारी चीजों को तैयार कर रहे थे, किस तरह से इन्होंने पूरी हत्या की साजिश को रचा था। तो इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए फिलहाल पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ तो जारी है। कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद में पुलिस रिमांड मांगेगी इनका। रिमांड पर लेने के बाद में फिर आगे की पूछताछ होगी, इनको मौका मुआयना कराने के लिए वापस घटनास्थल पर भी ले जाया जाएगा, इनकी शिनाख्त परेड भी करवाई जा सकती है, तो हो सकता है कि जेसीबी एक बार के लिए। तो ये तमाम जो पुलिस की कार्रवाइयां हैं इनको एक बार के लिए अंजाम दिया जाएगा और उसके बाद में फिर चीजें निकलकर सामने आएगी कि आखिर किस तरह से क्या मकसद रहा, कब प्लानिंग हुई, ये सारी चीजें पुलिस की पूछताछ में सामने आएगी। मतलब जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है शरद, और जो चीजें अभी अब तक हमने देखी, मतलब गोली चलने से लेकर अब तक, इसमें एक चीज तो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि ये जितने भी शूटर्स थे सब हायर किए गए थे और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर, उसके गैंग के साथ मिलकर ये आनंदपाल के समर्थकों ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया।
निश्चित तौर पर ये चीजें निकल कर आई क्योंकि रोहित गोदारे ने जिस तरह से फेसबुक पोस्ट भी कर दी थी पहले ही पुलिस की जो जिन निकल कर चीजें सामने आई उससे पहले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हत्याकांड की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। उसके बाद में उसने दूसरी पोस्ट भी एक की थी कि ताराचंद इस पूरी घटना के अंदर मारा गया लेकिन वो निर्दोष था, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी लेकिन कहा कि एक बदला लेना था राजू खेड से, इसीलिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो ये तार कहा जा सकता है कि पूरा वहां से जुड़े हुए हो, आनंद पाल के साथ में जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह था उसके अच्छे संबंध रहे थे, आनंद पाल के साथ में जो अनुराधा रहा करती थी वो भी बाद में जाकर के लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में मिल गई थी, उसमें भी एनआईए कई तरह की जांच पड़ताल उससे कर रही है, तो वो तमाम तार जुड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। और यही माना जा रहा है कि जो शार्प शूटर थे पांचों, इनको हायर किया गया। अब ये जो सिकर कनेक्शन है इनका, इन पांचों में से दो तीन तो हरियाणा के हैं, दो ये जो है सिकर के हैं, इनका आपस में किस तरह से कनेक्शन हुआ, इनको किस तरह से हायर किया गया या किस तरह से ये शामिल हुए इस पूरी घटना में, इन चीजों को लेकर के पुलिस की पूछताछ जारी है, उसके बाद में इन चीजों का निष्कर्ष निकल कर सामने आ पाएगा। एक चीज और शरद की, देखिए अब तो जो होना था हो गया, हमने देखा कि भाई किस तरीके से दहशत फैलाई, आतंक मचा दिया, खुलेआम गोलियां चलाई और हत्याकांड को अंजाम दिया, एक बेगुनाह भी इसमें मारा गया, लेकिन अब इसके बाद जो पूरा नेक्सस है ना उसको कैसे खत्म किया जाएगा, और गिरफ्तारी हो गई, अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो सजा होगा वो कोर्ट देगा वो ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें लेडी डॉन की भी बात सामने आ रही है, अनुराधा का भी इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, आनंद पाल के गुर्गे, इस खुद राजू के गुर्गे, इन सबका नेक्सस कैसे टूटेगा, कैसे सब के सब जो है वो गिरफ्त में आएंगे, इसके लिए क्या माना जाने वाले समय में एक बड़ा ऑपरेशन सीकर पुलिस द्वारा या पूरे राजस्थान पुलिस जयपुर से कंट्रोल, कोई इस तरीके का ऑपरेशन चल सकता है? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया इस घटना के बाद में, अभी जब कुछ देर पहले बयान आया था तो कहा था कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारियों तक बात नहीं है, इस मामले में फास्ट ट्रायल में इस पूरे मामले को चलाया जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद में जल्द से जल्द अपराधियों को यहाँ पर सजा तय हो इसकी कोशिश की जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर राजस्थान पुलिस की बात करते हैं जांच की, तो इसके अंदर पांचों अपराधियों को कोर्ट में भेजकर सजा दिलवाने की तो कोशिश होगी लेकिन इससे पहले कल कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लेगी, रिमांड के दौरान अगर छह दिन का रिमांड भी मिलता है तो उस दौरान पूछताछ की जाएगी कि इनके साथी दूसरे कौन है, कहां पर है, किनके साथ मिलकर योजना बनाई गई थी, कौन से गिरोह से इनके और तार जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के अलावा और भी कई गिरोह हों जो कि जिन्होंने मिलकर इस प्लानिंग को अंजाम दिया हो, क्योंकि राजू टेट वो व्यक्ति है जिसने बीकानेर जेल में जाकर के आनंद पाल के ऊपर फायरिंग करवाई थी, वहां पर हथियार भिजवाए थे, उसमें बलवीर बानूड़ा सहित तीन लोग मारे भी गए थे जिसमें आनंद पाल गैंग का मुखिया बलवीर बानूड़ा था, तो ये जेल में भिजवा करके हत्या करवा देना, इस तरह का ये गैंगस्टर राजू ठेठ रहा था, तो निश्चित तौर पर इसकी अगर हत्या करवाई गई है, यहाँ पर मर्डर करवाया गया है, तो इसमें कई बड़े गिरोह सामने आ सकते हैं। ये सारी चीज जब पुलिस रिमांड पर लेकर इन पांचों अपराधियों को पूछताछ करेगी तो कड़ी से कड़ी जोड़ेगी कि एक एक अपराधी के संपर्क में कौन सा व्यक्ति था, किसके जरिए इनको अगर सुपारी भी दी गई है, इनको हायर किया गया है, तो वो कौन से गिरोह हैं, किनकी ओर से पैसा दिया गया है, किनकी ओर से योजना तैयार करवाई गई है, उसके आधार पर राजस्थान पुलिस उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगी और आने वाले समय में इन पांच लोगों के अलावा भी कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती है। जी एक चीज और शरद की, देखिए जो दहशत हमने देखी वो आमतौर पर हमने फिल्मों में देखी है या आमतौर पर देखा कि भाई ये कभी कभार अगर दशकों में इस तरीके की वारदात हो जाती है 90s-80s की बात है, लेकिन ये तो अब हम देख रहे हैं अगर इस दौर में जब इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी तमाम हाईटेक पुलिस की बात होती है, उस समय अगर इस तरीके से दहशत फैला के कोई चला जाए तो जाहिर तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हो कि सीकर जैसे शहर में, जिले में, जहां पर कोचिंग के लिए बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लोग अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाते हैं, हमने देखा जिस तरीके से ताराचंद लेकर पहुंचा था अपनी बेटी को जिसकी मौत हो गई, अब ऐसे में एक जो मैसेज चला गया है कि यहां पर इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, आने वाले समय में हो भी सकती हैं, अब ऐसे में इस दहशत को कैसे दूर किया जाए लोगों के दिमाग से, लोगों के अंदर जो डर आ गया है कि सड़कों पर गोलियां चल जाती हैं, तो इसको दूर करने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हमने देखा है वो मंजर कल का। देखिए शेखावटी में पहले से चर्चाएं थी इस बात की कि एक बड़ी गैंगवार शेखावटी क्षेत्र में हो सकती है, इस कहानी की शुरुआत भी अगर बात की जाए हत्याकांड की तो 1997 से शुरू होती है, जबकि बलवीर बानूड़ा और ये राजू खेट आपस में दोस्त हुआ करते थे, गहरी दोस्ती थी, हर काम एक साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन
विजयपाल नाम का एक व्यक्ति था जो कि इनके बीच में आता है और उसकी हत्या राजू ठेठ करवा देता है। तब से बलवीर बानोड़ा और राजू ठेठ में एक बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई थी, रंजिश हो गई थी। लेकिन उसके बाद में आप देखिए आनंद पाल नाम का एक व्यक्ति जाके बलवीर बानोड़ा के ग्रुप को ज्वाइन करता है, उसके गिरोह में शामिल होता है और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ ऐसे काम करता है कि एक बड़ा गैंगस्टर राजस्थान में आनंद पाल बन जाता है। लेकिन जिसने आनंद पाल को अपने साथ में रखा बलवीर बानोड़ा, उसके ऊपर ही राजू ठेठ फायरिंग करवा देता है। तो आनंद पाल का एक बड़ा दुश्मन राजू ठेठ उस समय से बन जाता है। तभी से ये गैंगवार चलती आ रही है और 15 से अधिक हत्याएं राजस्थान में सिखावटी क्षेत्र में इस पूरे दोनों की दुश्मनी को लेकर हो चुकी है। ये पहला हत्याकांड नहीं है, इससे पहले करीबन 15 हत्याएं हो चुकी है इनकी दुश्मनी को लेकर। और अब कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा इसमें एक मुखिया एक गिरोह का राजू ठेठ ही था, उसको आखिर में जाकर के इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। लेकिन राजू ठेठ का जो गिरोह है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी गिरोह के कई सदस्य हैं जो कि सक्रिय हैं। हो सकता है कि वो बदला लेने की नीयत से जो सामने वाला गिरोह है उसके ऊपर कुछ किसी तरह की घटना को अंजाम दें। तो उस बड़ी मुठभेड़ को रोकने के लिए राजस्थान में गैंगवार को बड़ी गैंगवार को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस को तैयारी करने की रणनीति अपनाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में और कई गंभीर दाग यहां पर राजस्थान पुलिस के ऊपर लग सकते हैं। और उसी को लेकर के अलग अलग टीमें काम कर रही है, अलग अलग जगहों पर दबिशें दी जा रही है, पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश हो रही है कि इसके अंदर कौन कौन सूत्रधार रहे होंगे, कौन कौन योजनाकार रहे होंगे। उन सारी चीजों को मिलाकर के जब तक सारी गिरफ्तारियां नहीं हो जाती, एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो जाती जो इस योजना में शामिल रहा है, तब तक कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में किसी बड़े अगर मुठभेड़ होती है, किसी बड़े तरह का कोई गैंगवार होता है तो उसको रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी चीज़ है कि अपराधियों पर लगातार दबाव बना के रखना, अब ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसको, इस चुनौती को पुलिस किस तरीके से मेंटेन करेगी और ये दबदबा पुलिस का बना रहे ना कि अपराधियों का, ये अपने आप एक बड़ी चुनौती जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। गिरफ्तार नहीं है, अभी डिटेन्ड है, उनको अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी डालेंगे। दो घायल हैं क्योंकि पुलिस पे उन्होंने फायर किया तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी उन पर फायर किया। उनकी इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया, वो अभी पूरा रिकॉर्ड ले लेंगे। अभी एक्चुअली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको मेडिकल एड दिलवाना, उसका फिर उसके बाद सारी वो टीमें हमने लगा दी है, उनका डेटा पूरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। ये एक बार जिस तरह का अभी दोनों बॉडीज का डिस्पोजल नहीं हुआ है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पूरा अटेंशन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उस सिचुएशन पे है।